हेलो आप सभी को। तो आज की वीडियो में हम दोबारा से इसी क्वेश्चन पे आए हैं। क्लाइंबिंग स्टेयर्स का जो क्वेश्चन था लीड कोड पर 70th प्रॉब्लम जो थी, हमने लास्ट वीडियो में इसका रिकर्सिव कोड देखा था। ठीक है, इसका हमने रिकर्सिव कोड देखा था और हमने देखा था कि उसमें TLE आ रहा था बिकॉज ऑफ अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही थी, और वो क्यों बढ़ रही थी वो भी हमने देखा था। ठीक है, तो हमने बताया था कि अगर रिकर्सिव कोड में TLE आ रही है तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसे ऑप्टिमाइज करने के लिए उसका मेमोइज वर्जन लिखेंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि अपना जो ये क्वेश्चन है इसका मेमोइजेशन किस तरीके से करेंगे। ठीक है, फिर लास्ट में हम दोनों रिकर्सिव कोड और मेमोइजेशन कोड दोनों को कंपेयर भी करेंगे। ठीक है, तो देखो सीधा स्टेटमेंट आपको पता ही है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है मैं एक बार और बोल देता हूँ कि मतलब अपने को एन स्टेयर केस दिए हुए हैं, एन स्टेयर केस के स्टेप्स दिए हुए हैं और अपने को एन स्टेयर केस के स्टेप्स चढ़ के जाने ऊपर, लेकिन हमारे पास कंडीशन ये है कि या तो हम एक बार में दो स्टेप ले सकते हैं या एक बार में एक स्टेप ले सकते हैं, और इन दोनों को प्लस करके हमें बताना है कि हाउ मेनी वेज आर देयर टू रीच दीज एन स्टेप्स। ठीक है, टू क्लाइम दीज एन स्टेप्स, ये अपना क्वेश्चन स्टेटमेंट था। हमने इसका रिकर्सिव अप्रोच देख लिया था, अब हम इसका मेमोइजेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो रिकर्सिव अप्रोच में अपना बेस केस क्या था, रिकर्सिव अप्रोच में अपना बेस केस था इफ एन इक्वल वन रिटर्न वन एंड इफ एन इक्वल टू रिटर्न टू। ठीक है, ये अपना बेस केस था। अब जब हम मेमोइजेशन लिख रहे हैं ना, तो देखो मेमोइजेशन क्या है, मेमोइजेशन है बेसिकली रिकर्सन प्लस स्टोरेज। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पर ये बेस केस है ना, अब ये बेस केस इसमें तो चेंज होगा नहीं, हम यहाँ पर भी रिकर्सन यूज़ कर रहे हैं तो बेस केस तो यहाँ पर भी आएगा, तो इस बेस केस में कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो ये बेस केस ना एज इट इज़ इधर आ जाएगा मेमोइजेशन में। तो जब हम मेमोइजेशन में बेस केस लिखेंगे तो वो भी सेम आएगा, रिटर्न वन एंड इफ एन इक्वल टू रिटर्न टू। ठीक है, ठीक है, अपन ने बेस केस देख लिया, बेस केस में क्या डिफरेंस है। अब अपन आते हैं, रिकर्सन तो है ही, तो अपन रिकर्सिव भी कॉल करेंगे, वो भी सेम उसी तरीके से कॉल होगा जैसे यहाँ पर कॉल किया था हमने, क्लाइंब स्टेयर्स एन माइनस वन प्लस क्लाइंब स्टेयर्स एन माइनस टू। अगर आपको ये रिकर्सन देखना है ना कि हम रिकर्सन कैसे लिख रहे हैं, तो इससे पिछली वीडियो देख लेना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पर हमने पूरा देखा था कि हम रिकर्सन कैसे कॉल कर रहे हैं और n-1 n-2 पर क्यों कॉल कर रहे हैं, सेम ही रिकर्सन यहाँ पर कॉल करेंगे, बस यहाँ पर डिफरेंस आएगा स्टोरेज का कि हम जो एक बार वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे ना, मान लो हमें n इक्वल टू 4 के लिए हमने एक बार कैलकुलेट किया, तो हम इस n इक्वल टू 4 को ना कहीं पर स्टोर कर लेंगे फॉर फ्यूचर यूज़, जिससे कि अगर हमें कभी आगे n इक्वल टू 4 की ज़रूरत पड़े, मान लो हमें n इक्वल टू 5 निकालना है। ठीक है, n इक्वल टू 5 के लिए हम 4 पर और 3 पर कॉल करेंगे, तो अब यहाँ पर 4 की ज़रूरत है ना, तो हम यहाँ से डायरेक्ट अपनी वैल्यू उठा सकें, हमें दोबारा कैलकुलेशन नहीं करना पड़े। ठीक है, इसलिए हम इनको स्टोर कर लेंगे। ठीक है, अब स्टोर करने के लिए क्या है, स्टोर करने के लिए अपने पास दो तीन तरीके होते हैं, या तो हम एरेज का यूज़ कर लें, ठीक है, वेक्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एरे का यूज़ करके स्टोर कर रहे हैं वैल्यू को, और फिर देखेंगे कि किस तरीके से अपना मेमोइजेशन कोड वर्क कर रहा है और कितना डिफरेंस है मेमोइजेशन में और यहाँ पर ये जो है रिकर्सन में। ठीक है, ये भी देखेंगे कि मेमोइजेशन में और रिकर्सन में अपना कितना डिफरेंस है। आपको समझ में आ गया कि मेमोइजेशन में क्या करना है, मेमोइजेशन में अपन रिकर्सन तो कॉल करेंगे ही, अपने को स्टोर और करते जाना है वैल्यू, जो भी हम कैलकुलेट करते जा रहे हैं ना उन्हें स्टोर करते जाएंगे, और बेस केस अपना यहाँ पर भी सेम रहेगा, जो अपना रिकर्सन में बेस केस था वो यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं डिफरेंस दोनों कोड्स में क्या डिफरेंस है। तो ये अपना रिकर्सिव कोड है और ये अपना मेमोइजेशन कोड है, हम इसमें कंपैरिजन देखेंगे। तो सबसे पहले हम रिकर्सिव कोड की तरफ देख लेते हैं, ये कोड हमने लास्ट वीडियो में पूरा डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, तो हमने क्या किया है, सिर्फ फंक्शन एडर था, हमने बेस केस लिखा n=1 रिटर्न 1 n=2 रिटर्न 2 और फिर सीधा हमने रिकर्सन कॉल कर दिया n-1 और n-2 पर। ये कोड हमें मतलब ये कोड है तो सही, लेकिन ये कोड हमें ना प्रॉब्लम दे रहा था TLE की, और इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम लिख रहे थे मेमोइजेशन। ठीक है, मेमोइजेशन में क्या था, मेमोइजेशन में हम कर रहे हैं रिकर्सन प्लस स्टोरेज, है ना, यही मैंने आपको बताया रिकर्सन प्लस स्टोरेज। तो अभी हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम रिकर्सन और स्टोरेज कर रहे हैं। देखो इस स्टोरेज के लिए ना हम एरे यूज़ कर रहे हैं,
ठीक है। तो देखो अपने को जो ओरिजिनल फंक्शन एरर था वो क्लाइंब स्टेयर्स इन 10 ऐसे करके दिया हुआ था, ठीक है। इसमें मैंने सबसे पहले एक एरे डिक्लेयर किया है एन प्लस वन साइज का। एन प्लस वन साइज का क्यों एरे डिक्लेयर किया है, एन प्लस वन साइज का डिक्लेयर करने के बाद जो इंडेक्सिंग होगी वो होगी 0 से एन, और मेरे को लास्ट में रिटर्न करना है ए आर आर एन फॉर माई आंसर, ठीक है। अगर मैं एन साइज का एरे डिक्लेयर करता तो इंडेक्सिंग होती 0 to n-1, तो मैं ए आर आर एन रिटर्न नहीं कर पाता। इसलिए हमेशा जब भी हम एरे डिक्लेयर करेंगे ना, तो जो भी हमें वेरिएबल है उससे एक ज़्यादा साइज का एरे डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने पूरा एरे अपना माइनस वन से इनिशियलाइज कर दिया है। माइनस वन से इनिशियलाइज करने का रीज़न ये है कि ये अपना एक तरीके से चेक की तरह काम करेगा, ठीक है। चेक की तरह कैसे काम करेगा, मान लो मैंने पूरा एरे अपना इनिशियलाइज किया माइनस वन से, ठीक है। माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन, ठीक है। अब यहाँ पर मैं चेक कर लूँगा कि मैं जैसे इस इंडेक्स पे आया, इस वाली सेल पे आया अपने एरे की, मैंने देखा यहाँ पर अगर माइनस वन है यानी कि मैंने इस सेल की वैल्यू कैलकुलेट नहीं की है। अगर यहाँ पर माइनस वन नहीं है यानी कि मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर चुका हूँ और मैं यहाँ से इसकी वैल्यू डायरेक्ट उठा सकता हूँ, इसलिए हम इसे माइनस वन से इनिशियलाइज कर रहे हैं और इसे हम चेक की तरह यूज़ कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने अपना फंक्शन हेल्पर कॉल किया है जिसमें मैंने एरे पास कर दिया और एन पास कर दिया। अपन फंक्शन हेल्पर की देख लेते हैं कि उसमें क्या है। तो देखो फंक्शन हेल्पर में मैंने एरे रिसीव किया, एन रिसीव किया, मैंने बेस केस लिखा अपना एज इट इज जो अपने रिकर्जन में लिखा है, ठीक है। एन इक्वल इक्वल वन रिटर्न वन, एन इक्वल इक्वल टू रिटर्न टू। उसके बाद फिर मैंने सीधा चेक यूज़ कर लिया। चेक यहाँ पर क्यों यूज़ कर लिया, क्योंकि मेरे को रिटर्न करना है अपने में ए आर आर एन फॉर माई आंसर, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यही चेक कर लेता हूँ ना कि अगर ए आर आर एन में माइनस वन नहीं है तो डायरेक्टली रिटर्न कर दूंगा, क्योंकि मैं माइनस वन नहीं है इसका मतलब मैं इसे कैलकुलेट कर चुका हूँ, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो यहीं से रिटर्न हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपने एरे की पहली तीन इंडेक्स फिल करेंगे इनसे। देखो ए आर आर जीरो का मतलब है, वैसे जीरो होता नहीं है लेकिन अपने ए आर आर की इंडेक्स होती है तो हम इसे जीरो रख रहे हैं। इसका मतलब है ए आर आर जीरो का मतलब है एन इक्वल टू जीरो है, एन इक्वल टू जीरो है कि मतलब हम ऑलरेडी अपने टॉप पर हैं, तो यहाँ पर हम जीरो रखेंगे। ए आर आर वन में वन और ए आर आर टू में टू, ये बेस केस से आया एन इक्वल टू वन रिटर्न वन, एन इक्वल टू टू रिटर्न टू। तो ए आर आर वन वन आएगा और ए आर आर टू टू आएगा, ठीक है। उसके बाद बस हम डायरेक्टली रिकर्जन कॉल कर रहे हैं क्लाइंब ए आर आर एन माइनस वन और क्लाइंब ए आर आर एन माइनस टू, और इससे जो वैल्यू अपनी कैलकुलेट होके आ रही है उसे हम एक अपनी सेल में स्टोर कर ले रहे हैं ए आर आर एन में, ठीक है। ये यहाँ पर स्टोरेज फंक्शन की तरह काम कर रहा है। देखो हमने स्टोर कर लिया और बस डायरेक्टली हम रिटर्न कर दे रहे हैं ए आर आर एन, ठीक है। तो बस यहाँ पर यही है कि अपन रिकर्जन तो सेम ही कॉल किया जैसे हमने यहाँ पर कॉल किया। देखो यहाँ पर भी क्लाइंब स्टेयर्स एन माइनस वन, क्लाइंब स्टेयर्स एन माइनस टू कॉल किया है, यहाँ पर भी हम रिकर्जन कॉल कर रहे हैं। बस रिकर्जन में ये है कि हम इसे डायरेक्टली रिटर्न नहीं, इसे स्टोर कर रहे हैं और फिर रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो यही अपना मेमोराइजेशन का कोड है, ये पूरा अपना मेमोराइजेशन का कोड है, और ये कोड बहुत अच्छे से रन भी करता है, मतलब पूरा आपका एकदम एग्जैक्ट आंसर मिलेगा इस कोड से, ठीक है। बाकी इससे अगली वीडियो में हम देखेंगे डीपी से, मतलब टॉप डाउन से किस तरीके से करना है, ठीक है। टॉप डाउन से किस तरीके से मतलब इसमें हम रिकर्जन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो ना तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।